नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या विजयवर्गीय। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से सीधे बात करेंगे प्रदेश और देश की अहम खबरों को लेकर। फिलहाल पूरा देश की जो नज़रें हैं वो केरल पर टिकी हुई है। केरल में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है और लगभग सैकड़ों लोगों के मरने की खबर भी मिल रही है। ऐसे में कई सारे लोग हैं जो बाढ़ में फिलहाल फंसे हुए हैं और उन पूरे देश की तरफ से किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल जो है दिल्ली से डायरेक्ट केरल पहुँचे और वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। इस तरीके से कई सारी जो कवायद है वहां पर शुरू हो गई है और केरल में अभी भी लोग बेहद परेशान हैं। वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं वहां पर कई सारे लोग और वाकई में एक भयावह नजारा जो है वो केरल में देखने को मिल रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है इंदौर भोपाल हाईवे पर एक अलग ही नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। भरी दोपहरी में वहां पर देखा गया कि एक लड़की, एक युवती जो कि शराब के नशे में धुत थी और वहाँ पर जो है वो बहुत ही अलग तरीके का भद्र व्यवहार कर रही थी लोगों से और काफ़ी जो है उसने बवाल मचाया वहाँ पर। ऐसे में जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची तो पुलिस के साथ भी जो है उसने बहुत ही अभद्रता किया। पुलिस की गाड़ी को खोलकर वो बैठ गई और पुलिस के साथ पुलिस पर हमला भी उसने किया। ऐसे में बहुत ही अलग नज़ारा था और कई सारी जो है चीज़ों पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे में आज की पीढ़ी क्या इतना भी नहीं समझती है कि क्या हमारी मर्यादा है, किस तरीके का फिलहाल हमको बर्ताव करना है। और इस तरीके का भरी धूप में, भरी दोपहरी में, दिन का समय था, ऐसे में इस तरीके का हमने जब दृश्य देखा इंदौर भोपाल हाईवे पर, तो ये सिर्फ समाज को नहीं बल्कि पूरे शहर को जो है ये शर्मसार करती है। इस तरीके की तस्वीरें जब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये सामने आती हैं। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है जो कि वाकई में चौंकाने वाली खबर है। गौ वंश की तस्करी के मामले पूरे देश में जो है वो हर बार सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसे में एक मामला आया है इंदौर में इंदौर देवास हाईवे पर जब एक ट्रक जा रहा था तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस ट्रक को रोका। उस ट्रक को रोकने के बाद में जब उस ट्रक को चेक किया गया तो हर कोई देखकर दंग रह गया। 70 गौवंश ले जाए जा रहे थे जिसमें से जब जांच की गई तो 44 गौवंश जो है मृत अवस्था में पाए गए थे, जिनको क्रेन की मदद से जैसे तैसे बाहर निकाला गया। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और जब पुलिस पहुंची तब तक आरोपी जो है वो फरार हो चुके थे अपने ट्रक को छोड़कर। अब सवाल बड़ा उठता है कि गाय को हमारे भारत देश में जो है पूजा जाता है, भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान की जगह उनको दी गई है। ऐसे में इस तरीके से गौ रक्षा पर कई सवाल उठाती हैं इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं और गौवंश तस्करों के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो ट्रक है ये राजस्थान से आया था, इंदौर होता हुआ ये महाराष्ट्र में जा रहा था। कहाँ, किसके द्वारा आया था, कौन इसको बेचने की फिराक में था, कौन इसको खरीदने की फिराक में था, ये सभी फिलहाल प्रश्न बने हुए हैं जिनके जवाब जो है पुलिस अब ढूंढ रही है और पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर मिल रही है इंदौर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई। अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए इंदौर शहर में आज। ऐसे में प्रमुख रूप से जो है प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी युवा नेता आकाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे और उन्होंने अटल जी के व्यक्तित्व का हरफन मौला अंदाज जो है वो सभी के सामने साझा किया और उसी के साथ में उनके जो आनंद की जो शैली है उसको सीखने की सभी से बात कही है। ऐसे में सभी ने वहाँ पर शाब्दिक तौर पे श्रद्धांजलि अर्पित की है अटल बिहारी वाजपेयी को और अटल जी के का एक अलग ही नाता रहा है इंदौर से। तो ऐसे में सभी के पास में एक ऐसा शब्द थे, एक ऐसे वाक्य थे साझा करने के लिए कि हर कोई बस सुनता ही रह गया। एक और कार्यक्रम जो है इंदौर में आयोजित किया गया, संस्था संगमित्र द्वारा शाब्दिक श्रद्धांजलि दी गई स्वर्गीय अटल जी को और इस कार्यक्रम में भी अटल जी के विराट व्यक्तित्व को याद किया गया। अटल जी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है पर उनकी कविताओं के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनका जो पाठ पढ़ाया गया है उसके द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे।
अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर मिल रही है इंदौर से, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए इंदौर ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। जी हाँ, एक बार फिर इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए निगम कमिश्नर ने जो है कवायद शुरू कर दी है, मैदान संभाल लिया है और तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। 2019 तक नाले जो हैं वो सीवरेज मुक्त बनाए जाएंगे और उसी के साथ में एक बड़ी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो नदी नाले हैं, नदी नालों के ऊपर जो है गार्डन बनाया जाएगा। गार्डन वहाँ पर सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया जाएगा, जिससे कि पुलों के सौंदर्यीकरण का जो काम है वो इंदौर में देखने को मिलेगा, जिससे खूबसूरती तो इंदौर की बढ़ेगी ही, साथ में प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर इंदौर को नंबर वन बनाया जाएगा पूरे देश में, चूँकि दो बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है नंबर वन का खिताब हासिल कर चुका है इंदौर, और इंदौर शहर एक बार फिर कदम बढ़ाता हुआ चल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर मिल रही है सागर जिले को क्राइम कंट्रोल मामले में नंबर वन का खिताब मिला है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जहां के जो है चर्चित आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर की वजह से जो है स्वच्छता ये जो है क्राइम कंट्रोल में नंबर वन का खिताब हासिल किया है। क्राइम के मामले जो हैं वो न के बराबर पाए जा रहे हैं सागर में, और ये सब कुछ हुआ है आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर की वजह से। आप सभी जानते होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है नेम कमाया है सचिन अतुलकर ने, और हर कोई उनको जानता है, उनकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है, उनका रिनॉन नेम इतना ज़्यादा है, पब्लिक फिगर रहे हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर। ऐसे में उनका जो काम है उसकी वजह से भी भारत सरकार को नाज होता है इस तरीके के आईपीएस ऑफिसर पर, कि उनके कर्मों की वजह से और जिस तरीके की वो ड्यूटी निभा रहे हैं, जिससे कि क्राइम करने वाला हर एक अपराधी उनके नाम से थर थर काँपता है, उसकी वजह से सागर ज़िले को उन्होंने जो है क्राइम मुक्त बनाया है। क्राइम कंट्रोल करने में नंबर वन का खिताब मिलना सागर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए वाकई में गर्व की बात है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर मिल रही है इंदौर से। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए आज आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, और जो नियम का उल्लंघन करते हैं लोग, उसी के साथ में महिला अपराध में लिप्त रहते हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। और जब पूरा सर्वे देखा गया तो 1500 लोगों पर अभी तक जो है कार्रवाई की जा चुकी है, और इतने ही लोगों पर या इससे ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई होने की संभावना है। तो अगर आप भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि गाज आप पर भी गिर सकती है, और पुलिस जो है पूरी तरीके से सतर्क यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो इंदौर से मिल रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने विदेश में चोरी के आईफोन बेचने के मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जेल रोड पर ये उसमें से 2 भाई थे जो व्यापार करते थे वहाँ पर मोबाइल का, और उनका एक दोस्त था। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से वहाँ पर ये किराने की दुकान संचालित कर चोरी के जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उनको विदेशों में बेचकर उनकी खरीद फरोख्त करते थे। और इसमें जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि ज़्यादातर मोबाइल जो है वो आईफोन हैं, ज़्यादातर आईफोन उसमें पाए गए हैं, जिनकी कीमत जो है लाखों में बताई जा रही है। पर ये जो 3 आरोपी हैं ये चाइना निकलने वाले थे, पर उससे पहले ही पुलिस ने दबिश देकर इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर बड़ी सफलता पुलिस को लगी है, और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है पुलिस को इस पूरे मामले में। ये थी प्रदेश और देश से जुड़ी वो अहम खबरें जो आपको जाननी थी बेहद ज़रूरी। आगे भी ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।